प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान के साथ किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दर्शन सिंह के स्वर्गीय पिताजी को श्रद्धांजलि देने उनके पैतृक ग्राम चंदौन पहुंचे। उन्होंने स्वर्गीय नारायण सिंह जी के चित्र पर पुष्प भेंट किए। गायत्री परिवार के हवन में आहुति छोड़ी और पौधारोपण भी किया। स्वर्गीय चौधरी के परिजनों द्वारा 1 एकड़ भूमि समाज के लिए दान करने की घोषणा की, उसमें बनने वाले भवन के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई। बनखेड़ी से जगदीश सिंह गढ़वाल की रिपोर्ट। और नीचे बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठगण, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र के कई हस्तियां यहाँ विराजमान हैं, और इसके अतिरिक्त क्षेत्र के भी सभी गणमान्य नागरिक भाई बहन बुजुर्गवाद यहाँ विराजमान हैं। ऐसे सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, ये को छोड़ के, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी साधना जी भी आज मेरे साथ कार्यक्रम में श्रद्धा सुमन अर्पित करने आई है। बेटे बेटियों, जो आया है उसे जाना है, मृत्यु अवश्यम भावी है, अमर होकर कोई नहीं आता। लेकिन दुनिया में आके अगर जीवन सार्थक हो, उसी को फिर हम लोग कहते हैं कि वो सफल जीवन है। चौधरी नारायण सिंह जी ने एक सार्थक जीवन जिया, सात्विक जीवन जिया, सरल स्वभाव हो, सेवा का भाव हो, भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व के संस्कार हो, वो उनके रोम रोम में रमे थे और जीवन भी पूरा जिया उन्होंने। 82 वर्ष तक वो इस दुनिया में रहे और एक यशस्वी जीवन उन्होंने जिया। और इसलिए मैं चौधरी परिवार से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।